हाय एवरीवन, कंप्यूटर रिटेल स्टोर का बिजनेस करना चाहते हैं या कंप्यूटर रिटेल स्टोर का ऑनलाइन मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं दीपक पटेल myb2bidea.com से इस वीडियो में कंप्यूटर रिटेल बिजनेस की डिटेल जानकारी दूंगा। इसमें आप समझेंगे बिजनेस का इंट्रोडक्शन, केस स्टडी, मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ऑफ बिजनेस मॉडल, बिजनेस पॉलिसी, फाइनेंशियल प्लान, लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। ये बिजनेस रिटेल कैटेगरी में आता है। इस बिजनेस में जो टारगेट ऑडियंस होती है वो है स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, बैंक्स, हाउसेस। जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से स्टूडेंट भी इसका एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुके हैं। इसके बाद इस बिजनेस में कई टाइप के कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर सेल आउट होते हैं। कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, असेंबल्ड कंप्यूटर, एसेसरीज, सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस या ऑपरेटिंग सिस्टम भी, और भी ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी जानकारी नॉर्मली लोगों को नहीं होती है। ये बिजनेस का टारगेट मार्केट साल भर चलने वाला है। इसमें आप थ्रू आउट द ईयर बिजनेस से पैसे बना सकते हैं। चलते हैं इस बिजनेस की केस स्टडी की तरफ। तो इस बिजनेस में कई लोग पहले से काम कर रहे हैं और एक बड़ी अर्निंग करते हैं, वो जैसे विप्रो, डेल, लिनोवो। ये बहुत ही बड़े ब्रांड हैं, इनके खुद के स्टोर्स होते हैं और यहाँ से वो केवल अपने ब्रांडेड कंप्यूटर ही सेल आउट करते हैं। पर हर शहर में 2 से 3 कुछ छोटी शॉप्स होती हैं जहाँ पर कंप्यूटर्स सेल आउट होते हैं और ये सालों से यही काम कर रहे हैं। बस यही से आप भी अपना स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप भी कई सारे ब्रांड को से संपर्क बनाकर अपने इस बिजनेस को सेट कर सकते हैं। इस प्रकार के बिजनेस में 30-40% तक का डिस्काउंट मार्जिन रहता है। आपको बस सही डीलर तक पहुंचना है। तो बिजनेस तो कई लोग स्टार्ट करते हैं पर मार्केटिंग प्लान उसको सक्सेस बनाती है। तो इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करें। फेसबुक, यूट्यूब पे अपने चैनल पेजेस बनाएं, लोगों से संपर्क बनाएं। इसके अलावा मेले, फेस्टिवल में स्टॉल लगाएं और अपने शॉप के बारे में दूसरों तक पहुँचें। स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस तक भी आपको पहुँचना होगा। यहाँ पर आप मार्केटिंग के लिए इनके स्टाफ को इनके बर्थडे पे कुछ स्पेशल ऑफर चलाएं, इससे आपकी मार्केटिंग रीच उन तक पहुँच सकती है। बिजनेस में कई सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट होते हैं जो कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट करके बिजनेस मॉडल में होते हैं। तो इस बिजनेस की स्ट्रेंथ या पॉजिटिव पॉइंट है कि ये थ्रू आउट द ईयर चलने वाला बिजनेस है। कोई भी इसको स्टार्ट नहीं कर सकता, जी ये कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं। ये हाईली डिमांडिंग बिजनेस हो चुका है कोरोना के बाद। कोरोना के बाद जो सबसे ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट या बिजनेस में बूम आया था वो कंप्यूटर सेक्टर में आया था, क्योंकि सभी को घर से ही काम करना या पढ़ाई करनी थी। इस बिजनेस में कुछ वीकनेस हैं, जैसे ये हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, ब्रांडेड कंप्यूटर बहुत कॉस्टली होते हैं और आपको स्किल्ड पर्सन ही रखने होंगे अपनी शॉप पे। इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे लेटेस्ट हार्डवेयर आसानी से बिक जाते हैं, सोशल मीडिया पे स्टेटस के लिए भी कुछ लोग कई प्रकार की एसेसरीज अपने साथ खरीदते हैं। इसमें जो थ्रेट हैं वो ये है कि कंप्यूटर हार्डवेयर दिन प्रतिदिन ओल्ड हो सकता है, तो आपको एक लिमिटेड टाइम पे ही अपने सिस्टम को सेल आउट करने रहेंगे। इसके बाद इस बिजनेस में कुछ आपको पॉलिसीज भी लेके चलने पड़ेगी। यदि आप सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं तो आपको पायरेसी का ध्यान रखना होगा, नहीं तर जो सॉफ्टवेयर के ओरिजिनल लाइसेंस हैं वो आप पे क्लेम भी लगा सकते हैं।
इस बिजनेस की थ्रीट ये भी है कि आपको 1 साल तक का मेंटेनेंस भी देना होता है, और जो कि कुछ कंप्यूटर शॉप वाले 2 साल या 3 साल तक भी देते हैं, और इसका वो कोई चार्ज नहीं करते हैं। पर इसका यदि हम दूसरे तरफ से देखें, तो जब वो 3 साल तक चार्ज नहीं करते हैं, तो उस कस्टमर से जो नए कस्टमर बन सकते हैं, वो आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो थ्रीट भी है, पर ये एक अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करता है। चलते हैं इस बिजनेस की कुछ ऐसी पॉलिसीज की तरफ जो आपको बनानी चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस में ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। जैसे डिस्काउंट किसे देना है, ये आपको समझना होगा कि आप किसी ऑफिसेस कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, तो या आपको अपनी केवल पहचान बनानी है, तो आपको डिस्काउंट देना है। इसके बाद आपको ये देखना होगा कि डिलीवरी रिसीविंग की कंडीशंस क्या होंगी। यदि कोई डैमेज हो जाता है हमारे या आपकी शॉप की तरफ से या कस्टमर की तरफ से, तो उस कंडीशन में आप उसको कैसे डील करेंगे। वैसे कस्टमर की तरफ से होने वाले डैमेज के लिए कंपनी 1 साल का वारंटी देती है, तो ये आपको वहाँ से कवर कर सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस या बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑफिसेस वगैरह या बैंक्स वगैरह से जब आप डील करें, तो आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ये गवर्नमेंट है तो ठीक है, पर प्राइवेट हैं तो आपका पैसा फंस भी सकता है। तो आप अपनी बड़े जब आपको ऑर्डर मिले, तब आप अपने कंडीशंस को बड़ा स्पेसिफाई करें और इनके साथ डील करने में बहुत ध्यान रखें। हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिसेस के जो स्टाफ्स हैं, उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क बनाएं और उनको ही डिस्काउंट दें। जैसे मैंने पिछले मार्केटिंग वाले में भी बताया कि आप उनके बर्थडे पे उनको स्पेशल डिस्काउंट दें, ताकि वो उस दिन का इंतज़ार करें या लोगों को प्रमोट करें कि उस दिन जाके वहाँ से परचेस करने पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है। आप अपने सब स्टोर बनाएं, यदि आप किसी राजधानी में हैं या कैपिटल सिटी में हैं, तो आप अपने सब डीलर बनाएं और उनके थ्रू आप अपना नेटवर्क बनाएं, और इससे आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा। चलते हैं इस बिजनेस की फाइनेंशियल प्लान की तरफ। तो आपको यहाँ पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी ही, कम से कम आपको एक स्किल्ड पर्सन चाहिए होगा, क्योंकि यदि आप कंप्यूटर की डीलिंग कर रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और अदर हार्डवेयर करेगा। आप यदि होम बेस्ड सर्विस भी देंगे, तो इससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी होगी और आपकी मार्केट में पकड़ भी ज़्यादा बनेगी। तो आपको मैन पावर लगेगा ही। सॉफ्टवेयर जो भी आप इंस्टॉल करें, उसके लाइसेंस लें, ताकि आपकी शॉप लंबे समय तक चले। फर्नीचर आपको चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी और रेंट आपको देना होगा, क्योंकि ये घर से चलने वाला बिजनेस नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर मार्केट में शॉप लेनी ही होगी। चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो इस बिजनेस में आपकी मदद करेगा। जैसे किस कंपनी के आपको हार्डवेयर लेने चाहिए, इसके बाद टारगेट ऑडियंस क्या रखनी चाहिए। आप स्टूडेंट्स को टारगेट रखना चाहते हैं, ऑफिसेस को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को, या आपको अपना सेक्टर डिसाइड करना रहेगा कि आपको किस प्रकार के लोगों से डील करना है। कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का आपका मीडियम का होगा, यदि बड़े ऑफिसेस के साथ आप डील कर रहे हैं, तो ये आपको अपनी पॉलिसीज में ध्यान से रखना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि बड़ा एक्सपीरियंस तो हो जाए पर पैसा ज़्यादा लग जाए। कैलकुलेशन भी आपको रखना होगा कि यदि आप 1 साल की सर्विस दे रहे हैं या 2 साल की दे रहे हैं या कुछ दिनों की दे रहे हैं किसी ऑफिस डिपार्टमेंट के मेंटेनेंस के लिए, या वहाँ हार्डवेयर लगा रहे हैं, तो कितनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि क्या प्राइस रखना है उसका। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यदि कोई आप में आपको बल्क में कोई ऑर्डर दे रहा है, तो उसके लिए आपको डिपॉजिट कितना लेना है। मार्केटिंग सपोर्ट आपको ध्यान रखना होगा कि आपका बिजनेस यहाँ पर लोगों की रीच पे डिपेंड करेगा, तो आपको मार्केटिंग जरूर करनी पड़ेगी। आई होप इस वीडियो से आप कंप्यूटर रिटेल शॉप बिजनेस की हर एक एंगल को समझ पाए होंगे। और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट mybtobidea.com पे विजिट करके हमारे एक्सपर्ट कंसल्टेंट से सलाह ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।